मम्मी जो या पप्पा को आप स्कूल में मीटिंग के लिए आना, इनको मत लाना. सो वो एटीट्यूड रहता है कि वो टीचर के साथ मम्मी अच्छे से बात करेगी या पप्पा अच्छे से बात करेगा, उनको ही वो लेके जाते. सो योर एटीट्यूड हैज टू बी प्रॉब्लम सॉल्विंग. हेल्प देम टू मेक डिसीजन, बहुत इंपॉर्टेंट. मतलब आपको उनको निर्णय लेने में मदद करनी चाहिए. लाइक यस्टरडे, नॉट यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे कोई तो कॉन्टेक्ट किए तो बोले मुझे बिजनेस करना है. जब मैं यहाँ पे आई उनसे बात किया तो मुझे लगा नहीं कि वो बिजनेस करने के लिए आए. तो उनको जब पूछा तो बोला छोटी बच्ची है उनकी, अभी बयानी की है, लेकिन थोड़ा स्किन का इश्यू है. तो वो शहर दिखाने एक आए थे लेकिन एक्चुअली एक्सपेक्टिंग अलग थी. और जैसे ही मुझे पता चला, मैंने कहा नोनी जूस, स्पिरुलिना, कैनोजी शैम्पू, आपको सोप लेना है और वो चीज उसी वक्त लेके गए. अभी बिजनेस तो होगा लेकिन उस वक्त निर्णय क्या था, बच्ची का जो हेल्थ इश्यू है उससे बाहर निकलना. सो हेल्प देम टू मेक डिसीजन, प्रोवाइड सम असिस्टेंस फॉर्म भरने के लिए, उनको बात करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए. जैसे मैडम ने कहा ट्रेनिंग मिला तो वो बिजनेस प्लान अच्छे से बता देगी. आज आप सभी लोग यहाँ पे बैठे हो, रविवार की नींद छोड़ के यहाँ पे आए हो. परचेसिंग दोनों भी त्योहार है, आई थिंक रमजान भी है, पाड़वा भी है, सब छोड़ के आज हम यहाँ पे एक साथ बैठे हैं. किस चीज के लिए? अपने ड्रीम के लिए बैठे. नहीं तो शॉपिंग के लिए मार्केट तो खुला है. तो अपना जो ड्रीम है उसका सपना पूरा करने के लिए, सॉरी, आपको उनको क्या करना है, प्रोवाइड सम असिस्टेंस. उनको असिस्टेंस आपको देना पड़ेगा. प्रोवाइड द ब्रोशर्स. कुछ तो लोग बोलेंगे कि कागज पे कुछ लिखा हुआ दीजिएगा या तो डिजिटल भिजवा दीजिएगा. तो आपको उनको वो असिस्ट करना है, जो इन्फॉर्मेशन है वो उनको असिस्ट करना है. फील फेल्ट एंड फाउंड, उनको जो मन में लग रहा है कि जिस चीज से वो जा रहे हैं, अरे ये कुछ नया है. हाँ, आपको जो फील हुआ था वो मुझे भी फील हुआ था, लेकिन जो आप एंजॉय करोगे तो वो भी मैंने पहले फील होके अभी एंजॉय कर रही हूँ. वो फील फेल्ट और फाउंड मतलब आप जिस दौर से गुजर रहे हो उस दौर से मैं भी गुजरी हूं और मुझे भी अच्छी चीज मिली है. दिस बेसिक थिंग मस्ट बी डन विद इन 48 आवर्स. मतलब जैसे ही आपने लोगों को कॉन्टेक्ट किया, उनसे मीटिंग की, तो विद इन 48 आवर्स आपको फॉलोअप लेना जरूरी है, उनसे बात करना जरूरी है कि उनका आपके मीटिंग के बाद जो रिप्लाई है, मतलब वो क्या चाहते हैं, प्रोडक्ट चाहते हैं, बिजनेस चाहते हैं, थोड़ा वक्त चाहते हैं, जो भी है वो फॉलोअप 48 आवर्स में होना बहुत जरूरी है. परचेज द बिजनेस बिल्डिंग मटेरियल. आप घर पे त्योहार आता है तो अच्छे कपड़े ढूंढते हो, बराबर है, मंगा के ऑलरेडी रखते हो, त्योहार के पहले ही अच्छे कपड़े आ जाते हैं ना घर पे, बराबर है ना. तो बिजनेस ड्रीम्स के पहले ही उसके मटेरियल्स आपके घर में आना बहुत जरूरी है. और उसमें क्या है, पहले समझना चाहिए कंपनी प्रोफाइल का है क्या है. मतलब जिस कंपनी से आप जुड़ने वाले हो एज अ कंज्यूमर, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, तो वो उसके स्टेटस क्या है, वो उसका प्रोफाइल क्या है, कंज्यूमर डूबी हुई है क्या, अच्छे प्रोडक्ट है क्या, कहां तक काम कर रहे हैं, वो सब प्रोफाइल में जानना बहुत जरूरी है. थैंक यू टू डॉक्टर लिम सियोजिन, एक साइबर विला मलेशिया में हमारे लिए खुला हुआ है, दो आइलैंड्स हमारे लिए टूरिज्म के लिए खुले हुए हैं, एक भी रुपया हमारे डीएक्सएन के सर पे कर्जे का नहीं है. वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हमेशा मार्केट में अवेलेबल है, कोई भी आप पॉइंट पे देखोगे, स्टॉक पॉइंट पे या ब्रांच पे आपको अच्छे से प्रोडक्ट मिल जाएंगे. इसका मतलब हमारी कंपनी प्रोफाइल कैसे है, मजबूत है, तालियां होनी चाहिए. आपकी कंपनी प्रोफाइल मन में मजबूत होनी चाहिए, वो आपका कॉन्फिडेंस रहेगा. फिर आपका प्रोडक्ट कैटलॉग, आपके पास कितने प्रोडक्ट्स है, कौन से वाले प्रोडक्ट है, ठंडी में
चाय चलेगी, कॉफी में चाय चलेगी, लेकिन गर्मी में लेमोन ही चलेगा, रोजे चलेगा, तो आपको वो कैटलॉग आपके पास अच्छे से होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिर डीएक्सएन मैन्युअल्स, मतलब डीएक्सएन के जो भी लिटरेचर्स है वो आपके पास होने बहुत जरूरी है। नो योर मार्केटिंग प्लान, बिजनेस प्लान होना जरूरी है। डीएक्सएन के कुछ अच्छे एथिक्स है, कुछ अच्छी चीज है कि एक क्वालिटी बिजनेस, एक एथिकल बिजनेस के हिसाब से डीएक्सएन को मार्केट में जाना जाता है, एक बहुत क्वालिटी के हिसाब से, वर्ल्ड वाइड के हिसाब से, एक स्टैंडर्ड के हिसाब से डीएक्सएन को माना जाता है, तो उस स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको वो डीएक्सएन के एथिक्स, जो चाल चलन हम कहते हैं, वो समझने बहुत जरूरी है। ये जो है वो बिजनेस मटेरियल है, मतलब आपके सपने को पूरा करने का जो एक रास्ता है उसके लिए ये पूरी तैयारी है। कितने लोगों के पास डीएक्सएन प्रोफाइल मालूम है, फिर आरबीसी चैनल देखते हैं, अभी नया एफएम जो रेडियो निकला है डीएक्सएन रेडियो, कितने सुनते हैं, कितने लोग सुन रहे हैं, देखा है या कनेक्ट किया है, बराबर है, अच्छा चलता है, आकाशवाणी जैसे चलता है, कान लगा के सुनते हैं। मैंने तो कितने औरतों को सुना है खाना पकाते वक्त उधर वो चालू रहता है, ताकि दिमाग में क्या रहेगा, अच्छी चीज चलती रहेगी। सो दीज ऑल मटेरियल्स, ये जो चीजें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके बिजनेस के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है, टीम, एक परिवार। डीएक्सएन इज वन फैमिली, एक टीम के हिसाब से काम करती है। जब दो हाथ काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं तो लिमिटेड रहते हैं, लेकिन 24 घंटे औरों के और दो हाथ औरों के एक साथ जुड़ जाते हैं तो एक टीम होती है, और टीम में काम करने के लिए बहुत मजा आता है। राजे शिवाजी, छत्रपति शिवाजी ने एक बड़ा साम्राज्य तैयार किया, अकेले नहीं किया, बहुत सारे सरदार, बहुत सारा सैन्य इनके साथ था, एक टीम वर्क के हिसाब से इन्होंने साम्राज्य खड़ा किया, अस्तित्व निर्माण किया, ना कोई छोटा था ना बड़ा था, सबका काम अपने जगह पे बड़ा खड़ा था, क्योंकि एक टीम हिसाब से जब काम करते हो तो आप एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकते हो। और याद रखना, आप तो बड़ा होना चाहोगे लेकिन आपके साथ वाले जब बड़े होंगे तो आप अपने आप बड़े होते जाओगे। मुझे डायमंड बनना है या कि मेरे साथ 6 डायमंड में बनाऊंगा, 8 डायमंड बनाऊंगा, 10 डायमंड बनाऊंगा, तो उससे मेरा डायमंडशिप और मेरा स्टेटस बढ़ते जाएगा। इसलिए खुद के लिए काम करोगे, अपने टीम के लिए भी काम करना बहुत जरूरी है, ताकि टीम इज अ पावरफुल। एक डिसिप्लिन कि आपके अपलाइन के साथ जुड़े रहेगा, मतलब आपके माँ बाप है जिन्होंने आपको जन्म दिया है, तो उनके साथ आपको जुड़ के रहना है। सक्सेसफुल पीपल, जिनकी आदतें अच्छी है, सक्सेसफुल मतलब ये नहीं जिसके पास बहुत पैसा है, जिसकी आदतें अच्छी है, जो अच्छे रास्ते पे चल रहा है, उसका हाथ पकड़े रहिएगा। मैं तो कहती हूं अगर वो वॉशरूम में भी गए ना तो दरवाजे के बाहर खड़े रहिएगा कि कितने मिनट में जाते हो, कितने मिनट में, मजाक नहीं है। इफ यू वॉन्ट टू बिकम लाइक दैट पर्सन ना, जस्ट फॉलो ब्लाइंडली लाइक हिम, आप वैसे बन जाओगे। तो सक्सेसफुल पीपल, संगत की रंगत समझ लो, जिसके संगत में रहोगे ना वही आपको रंगत देगा। तो यू हैव टू हैंग अराउंड विद द सक्सेसफुल पीपल, गिव अ रिस्पेक्ट टू योर अपलाइन। माँ बाप को हम रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है, जिसने आपको स्पॉन्सर, जिसने ये सोचा कि तू कुछ कर सकता है, आप कुछ कर सकते हो, तो उसको रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। टेक काउंसलिंग फ्रॉम योर अपलाइन, वो धक्के खा चुका है तो वो आपको धक्के नहीं देने देगा, आपके लिए वो रेड कार्पेट लगा के रखेगा। इसलिए उसको पूछना, काउंसलिंग करना बहुत जरूरी, शायद आपके लिए कुछ नया विचार आएगा लेकिन वो ऑलरेडी उससे धक्का खा के बाहर निकल गया होगा या सक्सेसफुल होगा, तो वो आपको अच्छे से काउंसलिंग करेगा। व्हाट एवर अपलाइन से जस्ट फॉलो, बिकॉज अपलाइन इज योर डिवाइन, कभी भी नहीं चाहेगा कि आप खड्डे में जाओ।
वह हमेशा चाहेगा कि आप कुछ अच्छा करो, ताकि आप जब अच्छा करोगे तो उसको अच्छा फील होगा। अपने बच्चे जब सर्टिफिकेट लेके आते हैं या तो कप्स लेके आते हैं तो अच्छा फील होता है, वैसे ही अपलाइन भी चाहेगा आप अच्छा करो। रीड द बुक मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। कितने लोगों ने बड़ी सोच का बड़ा जादू ये किताब पढ़ी है? कितने लोगों ने पढ़ी है? तालियां होनी चाहिए। 95% लोग 5% लोग ही काम करते हैं, क्योंकि 5% को चाहिए कि वो 100% से अलग कुछ करें। तो मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग जो अच्छी किताब है, बहुत बढ़िया है, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। आपको ऊपर रहना है कि नीचे रहना है? किधर रहना है? सक्सेसफुल में रहना है, कामयाबी चाहिए तो क्या वो करना चाहिए? डिसीजन और अपने सपने के लिए काम करना चाहिए, अपने फैसले के लिए काम करना चाहिए। नारायण नारायण कथा चाहोगे? कितने लोग कथा चाहते? कथा चाहते? पावर ऑफ स्पीकिंग, आप जानते हो पावर ऑफ स्पीकिंग, बातों की एक वजन रहती है। वर्ड्स आर वेपन्स, शब्द एक शस्त्र अस्त्र है, लेकिन वेपन्स आर मेड फॉर पीस। मुंह से जबान से निकला हुआ शब्द आपके लिए काम करेगा या तो खत्म करेगा। तो द पावर ऑफ दैट, एक बार नारद ऋषि ने भगवान से पूछा, मैं नारायण नारायण कहता रहता हूं लेकिन इसका महत्व क्या है, मैं इसको पावर जानना चाहता हूं, उस शब्द का पावर देखना चाहता हूं। तो भगवान बोले, मैं क्या कहूंगा इसका पावर, आप मेरे लिए बोलते रहते हो। एक काम करो, वहां पे एक जो कीड़ा है तो उस कीड़े से जाके पूछ लो कि इसका महत्व क्या है। नारद मुनि आश्चर्यचकित हो गए, भगवान मैं आपसे पूछ रहा हूं कि शब्द का महत्व क्या है, आप तो मुझे कीड़े के पास भिजवा रहे हो, वो क्या समझेगा और क्या बोलेगा, इसको क्या समझ में आएगा? तो बोले, जाके पूछ के तो देखो। फिर अगर गुरु ने बोला है तो वो नारद ऋषि वहां पे चले गए और उस कीड़े से बात किया और पूछा, नारायण नारायण। जैसे ही नारायण नारायण का, वो कीड़ा वहां पे मर गया। ऋषि एकदम अचरज हो गए, बाप रे, किसी की मृत्यु का कारण मैं हो गया। तो वो घबरा गए, वापस भगवान के पास आ गए, बोले, मैंने जैसे नारायण नारायण बोला ये तो मर गया, मेरे से पाप हो गया, किसी की मृत्यु का कारण मैं हो गया और मेरे शब्द से उच्चार से। भगवान बोले, ठीक है, काम कर, आपको तो आंसर नहीं मिला, आप है ना तोते के पास जाओ, वो नन्ना सा जो तोता है ना उसको पूछ लेना कि नारायण नारायण का महत्व क्या है। ऋषि जी तोते के पास गए, लेकिन बोले, अरे कीड़े के पास भिजवाया, उसने तो आंसर नहीं दिया, मर गया बेचारा, आपको अगर उत्तर नहीं देना है तो मुझे वो तोते के पास क्यों भिजवा रहे हो? तो गुरु बोल रहा है तो ऋषि ने सुन लिया, वो ही आपको उत्तर देगा। जब जैसे ही नारद मुनि उस तोते के बच्चे के पास आ गए और उन्होंने कहा, नारायण नारायण, जैसे ही नारायण नारायण कहा वो तोते का बच्चा मर गया। अभी ऋषि तो टेंशन में आ गए कि मैं नारायण नारायण कह रहा हूं, अभी पहले तो वो कीड़ा मर गया, कुछ पूछने वाला नहीं था, अभी तो पाप लग गया, क्योंकि तोता तो हम कहते हैं कि ऊपर वाले की कुछ तो अंश है, अगर ये तोते का छोटा नन्ना जीव मर गया सिर्फ दो शब्द कहने से। बहुत डर गए, भगवान के पास वापस चले आए, बोले कि आपको मुझे नहीं उत्तर देना है तो मत दीजिएगा, लेकिन मेरे पास से इतने पाप मत करवाइए, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि मैं जैसे बोलू ये मर जाते हैं, और मैं तो शब्द का महत्व जानना चाहता हूं।
तो बोले कि एक काम करो, आपको इस शब्द का महत्व पता चलेगा, पावर ऑफ वर्ड। आप एक काम कीजिए, आप वो नन्ना जो गाय का बछड़ा है उसके पास चले जाइए और उसको पूछिएगा नारायण नारायण का महत्व क्या है। अभी ऋषि नारद ऋषि टेंशन में आ गए, बहुत टेंशन में, कीड़ा था कोई पूछा नहीं, वो तोता था दर्द लगा, अभी इधर क्या हो सकता है पता नहीं है, लेकिन अगर भगवान बोल रहे हैं तो जाना है। और भगवान बोले तुझे उत्तर उसी के पास ही मिलेगा। जैसे वो बच्चे के पास गए, बछड़े के पास गए और उन्होंने कहा नारायण नारायण, जैसे ही नारायण नारायण कहा वो बछड़ा मर गया। अभी अभी तो उनको बहुत टेंशन आया कि ये शब्द का अर्थ क्या है, महत्व क्या है, वो तो एकदम पिघल गए। बोले मेरे से तो ब्रह्म हत्या होगी, क्योंकि गाय हत्या ब्रह्म हत्या होगी, मैं क्या करूं। भगवान के पास चले गए, बोले मेरे हाथ से तो इतने पाप हो गए, लेकिन आपने दो शब्द के महत्व अभी तक नहीं बताए और मैं पाप के ऊपर पाप करता जा रहा हूं, भगवान ऐसे क्यों कर रहे हो, मैं जबान से जो शब्द निकाल रहा हूं क्या उसका ये पाप है। भगवान बोले नहीं, आप महत्व जानना चाहते हो, तो बोले हाँ इसका बहुत अच्छा महत्व है। तो बोले काम करो, इसका महत्व आपको बताएगा ये जो जन्मा हुआ नन्ना सा राजकुमार है वो। अभी ब्रह्मश्री को बहुत टेंशन आ गया, कीड़ा गया कोई नहीं पूछा, तोता गया नहीं, बछड़ा गया ठीक भी दर्द हुआ, लेकिन अभी इधर राजकुमार था, वो भी इकलौता इतने सालों के बाद जो राजकुमार आया है, अगर उसको जाके मैं पूछूंगा तो वो राजा रानी तो मुझे लटका के रखे, बराबर है ना, छोड़ेंगे क्या राजा रानी। उनको बहुत टेंशन था लेकिन भगवान पे विश्वास था और उत्तर जानना चाहते थे। पावर ऑफ वर्ड जो आप मुंह से निकालते रहते हो, वो पावर ऑफ वर्ड का इम्पोर्टेंस जानते थे। जैसे ही उन्होंने वो राजकुमार अकेला देखा, एकदम कोई आजू बाजू दासी नहीं है, राजा रानी कोई नहीं है, तो चुपके से उसके कान में जाके उन्होंने कहा नारायण नारायण। जैसे ही उन्होंने कहा, आपको क्या लगता है राजकुमार है कि गया है कि गया है, क्यों है? अगले जन्म में कीड़ा था, ओके वेरी गुड, इनको कथा पता है, उत्तर जानते थे। वो राजकुमार मरा नहीं, वो खड़ा हो गया और ब्रह्मश्री को नमस्कार किया। ब्रह्मश्री वो शॉक, कीड़े के पास गए वो मर गया, तोते के पास, गाय के पास, लेकिन इसको क्या हुआ, ये नारायण नारायण सुन के तो एकदम तैयार खड़ा हो गया। फिर राजकुमार ने कहा ब्रह्मश्री आपने मुझे पहचाना नहीं, पावर ऑफ वर्ड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड, ऊपर वाले का नाम लेते हो ना, ऊपर वाले का क्या बदलाव ला सकता है, आज जो भी मैं हूं ना वो आपके नारायण नारायण शब्द के कारण, कीड़े से तोता, तोता से गाय, गाय से आज मुझे सबसे महत्वपूर्ण जन्म मिला है मानव जन्म, और उसमें भी बड़े साम्राज्य का मैं राजपुत्र बना हूं केवल आपके 6 बार नारायण नारायण सुनने से। दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ वर्ड। हमेशा ऊपर वाले के साथ नारायण कैसे मजबूत जोड़ी रहनी चाहिए, उसका नाम हमेशा आपके मुख पे रहेगा तो वो आपके लिए काम करेगा, आपके जीवन को 360 डिग्री बदलने के लिए केवल कौन काम करेगा, ऊपर आपके मुंह में जो जबान पे जो नाम आएगा वो आपके लिए काम करेगा। इट इज अ पावर ऑफ वर्ड।
यानी आपके लिए वो काम करेगा। आप जो डिस्ट्रीब्यूटर, आप जो कंज्यूमर बनोगे तो आपका वो जो लोगों तक जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप उनको जो देना चाहते हो वो पावर ऑफ वर्ड से एक बड़ा टीम आप तैयार कर सकते हो। और एक याद रखिएगा, साम्राज्य में जब राजा बैठता है ना तो उसको डायरेक्ट सिंहासन नहीं मिलता। बाहुबली सबने देखा है? कितने लोगों ने बाहुबली पिक्चर देखा है? सबने देखा है। जब उसको राजा बनना है तो उसको क्या करना है? देशाटन करना है, मतलब गली गली, गांव गांव, शहर शहर घूमना है, देखना है कितने लोग अपने जैसे सपने वाले हैं, ताकि वो साम्राज्य संभाल सकते। इसलिए देशाटन बहुत जरूरी है, लोगों से बात करना जरूरी है। आपके जबान पे जो चीज आती है उसकी पावर आप समझना बहुत जरूरी है, खुद के लिए और परिवार के लिए और समाज के लिए, सबके लिए। और वही पावर आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करेगी। आने वाले सभी त्योहारों के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत शांति से रविवार में बिना डुलकी खाए इतना अच्छा ऑडियंस मुझे मिला, इसलिए धन्यवाद। महिला दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। केवल महिलाएं नहीं, मेरे बंधु लोग भी यहाँ पे बैठे हैं, जो बंधु घर में बैठे महिलाओं को भी सशक्त बनाने के लिए मदद करेंगे। तो थैंक यू सो मच। हाँ, ये होना चाहिए, तालियों के साथ सीढ़ी होना चाहिए। किसी को कुछ सवाल है तो मैं चार पांच सवाल ले सकती हूँ।